जैसा कि हम लोग बीजगणित देख रहे थे, और बीजगणित में मैंने बोला था, अगले पिछले जो पार्ट था उसमें मैंने बोला था कि मैं पहले बेसिक के कुछ फॉर्मूलेस दिखाऊंगा, उसके बाद उस पर हम बात करेंगे। तो ये रहा हमारा बेसिक जो है ये, ठीक है। ये सब जो फार्मूले हैं वो बेसिक टाइप के हैं, और ये सब तो आप जानते ही होंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का होल ए क्यू प्लस बी क्यू इजिकल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सब तो जानते ही होंगे क्योंकि हमें छोटे से ये सब पढ़ाया जाता है बचपन में ही। तो चलिए क्वेश्चन पे करते हैं फोकस। तो यहाँ देखिए, रूट पचास इंटू रूट सेवेंटी टू अगर दिया हुआ होगा तो हम इसे इसको किस तरह से लिखेंगे। इस रूट को हटाना है, मिनिमाइज करना है, तो पच्चीस इंटू टू, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं रूट के अंदर, ठीक है। इंटू इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्या 36 इंटू टू लिख सकते हैं, 36 इंटू टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 का रूट कितना होता है, 25 का जो वर्ग होता है वो आप लोग जानते हैं कि 5 होता है, और रूट टू अंदर ही रह जाएगा क्योंकि ये टूटा नहीं, ठीक है। इंटू 36 का वर्ग क्या होता है, 6 होता है, और रूट टू फिर से रह जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 30 रूट टू इंटू 30 रूट टू बराबर हो जाएगा 60, क्या सही समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से दूसरा करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे रूट बीस को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, रूट बीस को हम क्या लिख सकते हैं, क्या एक अंक हमेशा जो सॉर्ट करेंगे मतलब मिनिमाइज करेंगे तो एक अंक वैसा लिखेंगे जिनका रूट बनता हो, तो 20 में किससे गुना कर दे कि एक अंक मेरा बाहर आ जाए। तो मैं बोलता हूँ कि 4 इंटू अगर 5 करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 का रूट 2 होता है, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब 80 को हम किस तरह से लिखें कि एक अंक मेरा बाहर आए, ठीक है, तो 16। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें एक में 5 आता है तो अधिकतर में देखिएगा कि 5 से गुना होगा, तो आप कोई ऐसा पहाड़ा या पहाड़ा देखना होगा, टेबल देखना होगा जिसमें 80 पांच बार में आ जाता है। 16 पचे 80, क्या 16 बाहर आएगा, हाँ, 4 का वर्ग है, ठीक है। प्लस देखिए, 9 पचे 45, माइनस देखिए कितना होगा, 36 पचे 180 आता है क्योंकि मुझे ये याद है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि रूट फोर का जो वर्ग होगा वो 2√4 का वर्ग, ठीक है, 2 निकलेगा और रूट 5 रह जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे ही 4 निकलेगा, रूट 5 रह जाएगा, और ये 3 निकलेगा, रूट 5 रह जाएगा, इसमें 6 निकलेगा, रूट 5 रह जाएगा, क्या सही है। अब प्लस माइनस करके देखते हैं हम लोग, तो 2 4 6 6 3 9 9 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 बराबर 3 रूट 5, इतना आंसर है, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि आ रहा होगा। अब देखिए, यहाँ है 27 का पावर है 2/3, तो इसको 27 का पावर है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 का पावर है 2/3, तो क्या हम 27 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, ठीक है, इंटू 2/3 तो दिया है, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 3 × 9, क्या आंसर आया। तो ये सब बेसिक्स हैं जो आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। मैंने नेक्स्ट पार्ट में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा था, और इस पार्ट को भी हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। यदि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा चल जाता है तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि शुरुआत में इतने लंबे वीडियो कौन देखता है। तो यहाँ देखिए, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बेसिक है, बट आपको समझाने के लिए मैं एक देता हूँ कि अगर, ठीक है, एक्स प्लस, अगर इफ इतना दिया हुआ हो, एक्स प्लस 1/x = 3 दिया हो, इतना निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या होगा, एक्स प्लस 1/x² + 3² = 9 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1/x² + 2x × 1/x, क्या दिख रहा है, ठीक है, बराबर 9। तो ये x से ये x कट गया,
तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू टू बराबर नाइन। तो इतना ही तो निकालना है। अगर इस रूट इस टू को इधर ले आते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर नाइन माइनस टू कर देंगे तो सात आ जाएगा। तो निकल गया इसका मान, कितना है इसका मान, तो सेवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अगर ए प्लस बी बराबर सात दिया हो और ए बी बराबर 12 दिया हो, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताएं। तो मैंने एक फार्मूला अभी बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी, ठीक, टू ए बी आपने पढ़ा होगा। अगर हम इस फार्मूला से करते हैं, ठीक है, मुझे ज्ञात क्या करना है, ये चीज़ ज्ञात करना है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को, स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। तो यही बात यहाँ बैठा देंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सात का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो गया जाके सात दिया है, सॉरी, तो इसी में बैठाएंगे। देखिए ए प्लस बी में मेरे को कितना दिया है, सात का स्क्वायर दे दिया है, ठीक है, माइनस टू ए बी कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 49 माइनस 24 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या दिख रहा है आपको, हाँ, तो देखिए ये हो गया 5 और ये हो गया 2, 25 आया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ए प्लस बी बराबर सात दिया है तथा ए बी बराबर 6 दिया है। अब बोलता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर बताइए। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला अभी मैंने पूरा ही आपको बताया था कि ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी और ए प्लस बी, ये बताया था फॉर्मूला, ये है हमारा, यही तो मेन चीज़ है कि ये चीज़ याद होना चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्यू माइनस 3 ये प्लस ये इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 ए बी और ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। अब ए प्लस बी का मान मुझे कितना दिया है, सात दिया है, तो सात बैठाएंगे, सात का क्यू करेंगे 3, ए बी का मान मुझे 6 दिया है तो इंटू 6 करेंगे, यहाँ सात कर देंगे क्योंकि ए बी का मान मुझे सात दिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, अब कर दीजिए सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ा, इसका एक सिंपल सा फार्मूला मैंने यहाँ पे अभी बताया था, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ए बी सी होता है, ठीक है। ये जो फार्मूला है इसका हम आगे भी क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ए बी सी होता है, ठीक है, इसका हम इसमें यूज करेंगे। देखिए अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर मुझे इसमें क्या दिया है, 0 दिया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और मुझे क्या पूछ रहा है, हो तो कि ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर व्हाट। तो मैं जानता हूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3 ए बी सी होता है, ठीक है। अगर इसको ऐसे लाना है तो मैं कर दूंगा, इसको इधर नीचे से कर देते हैं, नीचे से हर के नीचे ले आते हैं, तो ए बी सी, ठीक है, तीन को इधर ही छोड़ देंगे और ए बी सी को इधर ले आते हैं, बी क्यू बराबर होगा ए बी सी प्लस सी क्यू बराबर हो गया ए बी सी बराबर 3, ठीक है। अब काटते हैं कि एक से एक कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर ए सी प्लस सी स्क्वायर ए बी बराबर 3, क्या आ गया हमारा आंसर, आ चुका है 3, हमारा आंसर 3 है, सॉरी नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर इतना होता है तो ये जो है इसको नीचे ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो ये हर में चला जाएगा, तो हर में ले जाने के बाद मैंने कट कर दिया सर एक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए,
बोलता है इफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स माइनस टू ए का एक गुणनखंड एक्स माइनस टू हो तो ए बराबर व्हाट। तो गुणनखंड तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, फिर भी मैं एक छोटा सा दे देता हूँ नॉलेज। देखिए अगर गुणनखंड निकालना हो तो आपको देखना होगा कि एक्स ठीक है एफ एक्स बराबर हो जाएगा जीरो अगर होता है तो क्या होगा गुणनखंड हो जाएगा ठीक है। तो देखिए एफ ठीक है तो एक्स माइनस टू बराबर अगर हम जीरो रखते हैं तो एक्स बराबर टू आ रहा है ठीक है। गुणनखंड निकालने के लिए हमें इस जो ये जो वैल्यू दी होती है ये जो वैल्यू दी होती है इसका यूज करना पड़ता है। तो देखिए एक्स बराबर टू आया एक्स माइनस टू इजकल टू जीरो रखा मैंने तो एक्स बराबर टू। अब ये जो टू है टू जो है वो एक्स में बैठा देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स माइनस टू ए मुझे बोल रहा है कि ये फोर हो गया प्लस थ्री थ्री सिक्स ए हो गया माइनस टू ए हो गया ठीक है बराबर जीरो है क्योंकि यहाँ पर भी जीरो है ठीक है। तो देखिए फोर प्लस हो गया फोर ए बराबर जीरो तो फोर बराबर हो गया माइनस फोर ए तो ए बराबर हो गया ए बराबर क्या निकला मेरा माइनस वन निकला। तो ये देखिए सॉरी ये फिर से नहीं पता चल रहा था कि ये फोर। देखिए मैंने यहाँ क्या किया है कि पहले एक्स का वैल्यू निकाला एक्स बराबर दो हुआ उसके बाद मैंने एक्स को यहाँ बैठा दिया है तो मेरा एक्स बराबर माइनस ए बराबर माइनस वन आ गया। और इसमें कुछ खास था नहीं, ये वीडियो इतना ही रहेगा और कल से हम लोग वे अभिनय मैथ सर की किताब प्ले विथ एडवांस मैथ को कंप्लीट कराएंगे। कल से मैं ले लूँगा उसके सारे चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन लूँगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और क्या और ऐसे ही मेहनत करते रहें।